हेलो दोस्तों नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी का आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी नदी का पानी, शाहरपुर कंडी बांध बनाकर तैयार। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के दोस्तों ने लगाई तुर्की की क्लास, नाटो से करेगा गेट आउट। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय नौसेना की जांबाजी देखने को एक बार फिर मिली है, जहां कारोबारी जहाज में आग लगने पर जंगी युद्ध पोत ने कर दी सहायता। साथ ही साथ बताएंगे मुख्यमंत्री फ्लीट के रूट का मुआयना करने वाली एंटी डेमो गाड़ी पलट गई, 5 पुलिस कर्मियों समेत 11 लोग घायल। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के एंटी डेमो गाड़ी को लेकर यह बहुत बड़ी खबर। साथ ही साथ बताएंगे आखिर किसने ये दावा ठोका है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में हर सीट पर होगा 2.5 लाख वोटों का नुकसान, पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होना शॉकिंग न्यूज। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेना का दिल से स्वागत करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी नदी का पानी, शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार, जम्मू के किसानों को होगा फायदा। जी हां, पंजाब की बंजर हो रही 37,000 हेक्टेयर जमीन पर जल्द ही हरियाली नजर आएगी। दरअसल केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो गया है। इस बांध के बनने के बाद रावी नदी का जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था वो अब हमारी जमीनों को उपजाऊ बनाएगा। इस पानी का उपयोग किसान सिंचाई के लिए करेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू के कठुआ और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके बाद रावी, सतलुज और ब्यास तीनों नदियों के पानी पर भारत का अधिकार था, तो वहीं सिंधु, झेल और चिनाब नदियों के पानी पर पाकिस्तान का हक है। हालांकि बांध बनने से पहले रावी नदी का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था, ऐसे में अब जब रावी नदी पर बांध बनने के बाद उसका पूरा पानी भारत का है और इसका इस्तेमाल भारत सिंचाई और बिजली बनाने में करेगा। जी हां दोस्तों, रावी नदी का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट पानी अभी भी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान में बिना उपयोग के बह रहा है, जिसको अब भारत अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रावी नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें, भारत के दोस्त ने लगाई तुर्की की क्लास, नाटो से करेगा गेट आउट। जी हां, नीदरलैंड की सत्ता बहुत जल्द, गिट विल्डर्स संभाल लेंगे। गिट विल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे है, लेकिन गिट विल्डर्स का यह ट्वीट बहुत खास है। नीदरलैंड के भावी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह के ट्वीट इस बात को दर्शा रहे हैं कि उन्हें तुर्की से कितनी समस्या है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि तुर्की हमेशा से आतंकियों का पनाहगाह रहा है, तुर्की को नाटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। गिट विल्डर्स लगातार भारत को लेकर भी लिखते हैं और यहाँ के लोगों का बहुत सम्मान भी करते हैं। इस्लाम को लेकर तीखी आलोचना और कठोर अप्रवासन नीतियों की वजह से वे सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर तुर्की को ही निशाना बना दिया। बिल्डर्स ने कह दिया कि तुर्की फंडर है और आतंकियों का पनाहगाह भी है, उसी के छाए में आतंकी देश और आतंकी पनपते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के आम चुनाव में गिट विल्डर्स की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय नौसेना की बड़ी जांबाजी, कारोबारी जहाज में आग लगने पर जंगी युद्ध पोत ने की सहायता। बता दें भारतीय नौसेना की जांबाजी एक बार फिर दुनिया ने देखी है। जानकारी के अनुसार अदन की खाड़ी में एक संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल हमले के बाद एक व्यापारिक जहाज में आग लगने पर एक भारतीय युद्धपोत ने उसे सहायता प्रदान की। भारतीय सेना अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि एमवी आईलैंडर पर बृहस्पतिवार को हमला हुआ, जिसमें जहाज के चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया। उन्होंने बताया कि नौसेना की एक विस्फोटक आयुध निपटान टीम पोत पर गई और उसे संभावित जोखिम से बचाया। इसके बाद पोत को आगे की यात्रा की मंजूरी दी गई। हमले की यह घटना हुती उग्रवादियों द्वारा लाल सागर में विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों पर किए जा रहे हमलों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच हुई है। जी हां, भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मदवाल ने बताया कि भारतीय नौसेना के जहाजों के अथक प्रयास व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अगली खबर बता दें, अमेरिका जाएंगी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, व्हाइट हाउस में जो बाइडन से करेंगी मुलाकात, होगा उनका स्वागत। जी हां, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका के दौरे पर आने वाली है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन व्हाइट हाउस में उनका स्वागत करेंगे। दौरे के बारे में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जीन पियरे ने बताया है कि 1 मार्च को जो बाइडन मेलोनी का स्वागत करेंगे। उन्होंने दोनों नेता वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा करेंगे, मध्य पूर्व में जारी युद्ध को रोकने और गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने पर चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें, चीन की बढ़ेगी टेंशन, ताइवान के लोगों का ड्रैगन की तरफ झुकाव हुआ कम, सर्वे में सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा खुलासा। बता दें ताइवान के 80% से अधिक लोग चाहते हैं कि चीन के साथ यथास्थिति बनी रहे। सेंट्रल न्यूज एजेंसी ताइवान द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ताइवान के लोगों का झुकाव की चीन की तरफ कम होता जा रहा है। साल 2020 के बाद से ज्यादातर लोग चीन के साथ यथास्थिति अनिश्चित काल तक बनाए रखना चाहते हैं। ताइवान के सर्वेक्षण में साल 1994 से लेकर 2023 तक का डेटा दिखाया गया है, जिसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि चीन के साथ ताइवान के लोग क्या चाहते हैं। इसको लेकर सर्वेक्षण एजेंसी ने लोगों से तैयार किए हुए 3 प्रश्न पूछे। इससे पता चला है कि यथास्थिति की चाहत साल दर साल बढ़ती जा रही है। साल 2023 के सर्वेक्षण के मुताबिक 33% लोग ऐसे हैं जो केंद्र के अनुसार अनिश्चित काल तक चीन के साथ यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं।
चाहते हैं, वहीं 27.9% ऐसे लोग हैं जो अभी यथास्थिति चाहते हैं, बाद में करना है इसका विचार करने की सोचते हैं, तो वहीं 21.5% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अभी यथास्थिति बनाए रखें, बाद में स्वतंत्रता की ओर बढ़े। जी हाँ, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में बदला इतिहास, पहली बार किसी गैर मुस्लिम को डिप्टी स्पीकर चुना गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव कराए गए थे, जिसके बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगे और सियासी ड्रामा देखने को मिला। आखिरकार सरकार के गठन की खबर सामने आ गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने यानी मार्च के शुरुआती हफ्तों में पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी। ये गठबंधन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच होगी। इसी दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए निर्वाचित सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा चयन होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने 23 फरवरी को एक आधिकारिक घोषणा किया, जिसमें उन्होंने सिंध विधानसभा में पहली बार किसी गैर मुस्लिम को डिप्टी स्पीकर को चुना है। नए डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी होंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि नवीद एंथोनी एक रोमन कैथोलिक है। उन्हें साल 2018 में पाकिस्तानी आम चुनाव में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट पर सिंध की प्रांतीय विधानसभा के लिए चुना गया था, जिसके बाद वो 13 अगस्त 2018 से लेकर 11 अगस्त साल 2023 तक सिंध की प्रांतीय विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अगली खबर बता दें, यूक्रेनी सेना ने सोवियत काल के S-200 से मार गिराया रशिया का A-50 विमान। रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं। इस बीच जंग के मैदान से एक बड़ी खबर आई है। यूक्रेन की सेना ने रशिया के एक A-50 लॉन्ग रेंज रडार डिटेक्शन एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इस अत्याधुनिक विमान को यूक्रेनी सेना ने सोवियत काल के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-200 से अटैक कर गिराया है। इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। S-200 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे सोवियत काल में तैयार किया गया था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ से अलग होने पर यह एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास आया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन 60 साल से अधिक समय तक किया गया, इसे कई बार अपग्रेड किया गया। A-50 रशिया का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान है। जी हां दोस्तों, इसे IL-76 पर तैयार किया गया है। बड़ा आकार और कम रफ्तार के चलते मिसाइल से इसे गिराना लड़ाकू विमान की तुलना में आसान होता है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन में विदेशी नेताओं का मेला, कई देशों के प्रधानमंत्री एक साथ पहुंचे कीव, जेलेंस्की से की मुलाकात। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को यहां पहुंचे, पश्चिमी देशों के कई नेताओं का स्वागत किया। पश्चिमी देशों के नेता उस वक्त यूक्रेन पहुंचे हैं जब यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद और हथियारों की कमी हो गई और विदेशी सहायता अधर में लटक गई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर ड्री क्रू और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कीव की यात्रा पर पहुंचे। ये सभी नेता रेल मार्ग से एक साथ यहां आए। जी हां, दक्षिणी शहर ओडिशा में एक आवासीय इमारत पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत के तुरंत बाद पश्चिमी नेता यहां पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां क्या अमेरिका का इजराइल से हो रहा है मोह भंग, अब वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों को बताया अवैध। जी हां दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की बस्तियों के विस्तार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से असंगत बताया है। इसे अमेरिकी विदेश नीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका शुरू में तो वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को उलट दिया था। अब एक बार फिर अमेरिका इन बस्तियों को लेकर अपनी पुरानी नीति पर वापस लौटता दिखाई दे रहा है। ब्यूनस आयर्स की यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नए आवास निर्माण की योजनाओं की इजरायल की घोषणा से अमेरिका निराश है। उन्होंने कहा कि वे स्थायी शांति तक पहुंचने के लिए सही नहीं है। ब्लिंकिन ने कहा, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ भी असंगत है। हमारा प्रशासन बस्ती विस्तार का कड़ा विरोध करता है और हमारे फैसले में यह केवल इजरायल की सुरक्षा को कमजोर करता है, मजबूत नहीं करता। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जैश अल अदल आखिर कौन है जिसके कारण ईरान ने फिर पाकिस्तान पर किया हमला? सिया सुन्नी की जंग है सबसे बड़ी वजह है। जी हां, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एक बार फिर ईरान ने हमला किया। इस हमले के बाद एक बार फिर जैश अल अदल का नाम चर्चा में आ चुका है। ईरान ने जनवरी में मिसाइल के जरिए पाकिस्तान में हमला किया था, लेकिन अब ईरान की सेना ने फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कई साथियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया में इससे जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जैश अल अदल कौन है जिनके आतंकियों पर एक बार फिर ईरान ने हमला किया है। जैश अल अदल एक सुन्नी संगठन है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी ईरान में एक्टिव रहता है। जैश अल अदल का मतलब न्याय की सेना होता है। 2012 में इसे बनाया गया था। साथ ही साथ ईरान से जुड़ी एक और खबर बता दें, क्या यूक्रेन के खिलाफ रशिया को ईरान ने बेची बैलिस्टिक मिसाइलें? तेहरान ने दिया इसका जवाब। दरअसल ईरान ने पश्चिमी मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रशिया को मिसाइलें बेची थी। बुधवार को सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने रशिया को बड़ी संख्या में सतह से सतह पर मार करने वाली शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति की है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि तेहरान पर बैलिस्टिक मिसाइल की बिक्री पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान हथियारों के लेन देन से बचना उसका नैतिक दायित्व है। जी हां, समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार को ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने रशिया को बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदान की तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगली खबर बता दें, रूसी सरकार ने नवलनी को जेल में ही दफनाने की दी धमकी।
नवलनी परिवार ने किया इसका विरोध। जी हाँ, इन दिनों रशिया में विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की मौत पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच शुक्रवार को नवलनी की टीम के नेता ने रूसी अधिकारी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूसी अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि अगर नवलनी का परिवार उनका अंतिम संस्कार बंद कमरे में करने को तैयार नहीं होता है तो वो शव को आर्कटिक जेल कॉलोनी में के मैदान में दफना देंगे, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। अलेक्सी नवलनी की पिछले हफ्ते 3 साल जेल में काटने के बाद उसे मौत हो गई, जिसके बाद उसे अमेरिकी नेता जो बाइडन के साथ कई पश्चिमी नेता ने व्लादिमीर पुतिन पर नवलनी की मौत का आरोप लगाया है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बताया क्वाड क्यों है बेहद अहम, बिना नाम लिए चीन पर सादा निशाना। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित हो रहे रायसीना डायलॉग कार्यक्रम के दौरान बताया कि आज के समय में क्वाड की क्या अहमियत है। उन्होंने बताया कि क्वाड का गठन बहु ध्रुवीय व्यवस्था के विकास और शीत युद्ध के बाद की सोच को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड क्यों अहम है, इसका सीधा सा जवाब है कि यह पूरी दुनिया के हित में है। क्वाड का गठन वैश्विक व्यवस्था में बदलाव से प्रेरित है, जो समान विचारधारा वाले देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा समन्वय को प्रेरित करता है। अगली खबर बता दे, भारत की तरक्की देख हैरान हुई ब्रिटेन की डिप्टी पीएम पद की दावेदार, कहा महिला सशक्तिकरण से आया बदलाव। जी हां, ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता और डिप्टी पीएम पद की दावेदार एंजेला रेनर भारत की तरक्की से काफी प्रभावित हुई है। शनिवार को वे रायसीना डायलॉग सम्मेलन के सत्र में शामिल हुई। सत्र से अलग मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत ने बीते वर्षों में काफी ज्यादा तरक्की की है और भारत की तरक्की में महिला सशक्तिकरण की अहम भूमिका है। एंजेला रेनर ने कहा कि वो चाहती है कि ब्रिटेन और भारत के संबंध मजबूत होने चाहिए और दोनों देशों को व्यापार समझौते पर आगे बढ़ना चाहिए। जी हां, एंजेला रेनर ने कहा कि मैं पहली बार भारत साल 2007 में आई थी और तब से अब तक भारत में काफी बदलाव आ गया है और भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह दिखाता है कि भारत ने कमाल की प्रगति कर ली है। जी हां, रेनर ने कहा कि भारत सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई है जिनसे महिलाओं की भूमिका को न सिर्फ समाज में बल्कि अर्थव्यवस्था में भी पहचान मिली है। रेनर ने कहा कि अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो महिलाओं को सशस्त्र करना होगा। जी हां, लेबर पार्टी के नेता ने कहा कि ऐसे कानून बनाने की बहुत जरूरत है जिससे महिलाओं को बढ़ावा मिल सके और कार्यस्थल, समाज और सत्ता के अन्य पदों पर उनकी सुरक्षा भी हो सके। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर ड्रैगन सबसे बड़ा नकलची चीन में बसा दी, फ्रांस की राजधानी पेरिस का एफिल टावर तक बना डाला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल डिक्टो, दूसरे देशों के खुफिया जानकारी चुराकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का दावा करने वाला चीन अभी तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और तकनीकी चीजों की कॉपी करता था, लेकिन अब इस नकलची ने पूरा शहर ही कॉपी कर डाला है। चीन ने अब एक ऐसा शहर बनाया है जहां जाने के बाद लगता है कि आप यूरोप पहुंच गए हैं। चीन के लोग पर्यटन के लिए बाहर ना जाएं, इसलिए अब उसने यूरोप के शहरों को की नकल करनी शुरू कर दी है। चीन ने फ्रांस की राजधानी पेरिस को इस कदर कॉपी किया है कि वहां का एफिल टावर भी बना दिया गया है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तियांग डुंग चेंग में दूसरी पेरिस बनाया है। यहां की दुकानें और सड़कें भी पेरिस की जैसी हैं। इस शहर को चीन ने 10,000 लोगों के लिए बनाया था, लेकिन साल 2013 तक इसमें मात्र 2,000 लोग ही रहते थे। जी हां, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में बिना किसी वजह के 7 दिनों से लगातार बंद है ट्विटर यानी एक्स। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आपको बता दें, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट एक्स बीते 7 दिनों से लगातार बंद है। इसको लेकर पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा आउटेज पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विदेशी न्यूज मीडिया एजेंसी एपी के बार बार पूछे जाने पर भी पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। इसको लेकर पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को दोबारा शुरू करने की अपील की है। जी हां, जारी समस्या को लेकर अमेरिका ने भी पाकिस्तान से एक्स पर लगे प्रतिबंध हटाने का भी आग्रह किया है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर चांद पर पहुंचा प्रमुख स्वामी महाराज का सद्भाव और करुणा का संदेश, बेप्स ने कहा यह मानवता की जीत है। जी हां, निजी अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 2 दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसे लूनर IM-1 मिशन नाम दिया गया। इस यान ने BAPS स्वामी नारायण संगठन के 5वें गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को अनूठे तरीके से श्रद्धांजलि दी। दरअसल लूनर मिशन IM-1 की डिस्क पर प्रमुख स्वामी महाराज की तस्वीर को उकेरा गया था। इसके साथ ही उनके सद्भाव और करुणा के वैश्विक संदेश को भी लिखा हुआ था। जी हां, अगली खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फ्लीट के रूट का मुआयना करने वाली एंटी डेमो गाड़ी पलट गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों के घायल होने की बड़ी खबर है। जी हां, यूपी के गोसाईगंज के अर्जुनगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री की फ्लीट से पहले रास्ते का निरीक्षण करने वाली एंटी डेमो गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क पर मरे पड़े जानवर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। इसमें 5 पुलिसकर्मियों के अलावा सड़क किनारे खड़े 6 लोग गाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही DGP प्रशांत कुमार के साथ ही कई अन्य अधिकारी भी सिविल अस्पताल पहुंचे। जी हां, इस हादसे को लेकर जानकारी देते हुए जॉइंट CP उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कुल 11 लोग घायल हुए हैं। इसमें 5 पुलिस के जवान और 6 आम नागरिक शामिल है। सभी को प्राथमिक केंद्र से KGMC और लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अगली खबर बता दें, गुजरात से बड़ी खबर, जामनगर पहुंचे PM मोदी जी, आज 5 एम्स समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात पहुंच चुके हैं। PM मोदी ने जामनगर में
रोड शो भी किया, जहां पर भारत माता की जय के नारे लगे। प्रधानमंत्री आज गुजरात से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में रोड शो के दौरान दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े नजर आए और उनका स्वागत किया गया। राजकोट, मंगलगिरी, बठिंडा, रायबरेली और कल्याणी स्थित चार नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। वो राजकोट में एक सार्वजनिक समारोह में इन प्रतिष्ठानों का उद्घाटन करेंगे। द्वारका में एक समारोह में प्रधानमंत्री लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बने ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि 2.32 किलोमीटर लंबा केबल आधारित पुल देश में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल है। मोदी वाडिनार में एक पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा को उत्तर प्रदेश में हर सीट पर होगा 2.5 लाख वोटों का नुकसान। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होना शॉकिंग खबर। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होना भाजपा के लिए चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे युवा पार्टी को सत्ता से हटा देंगे। लखनऊ में सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि परीक्षा रद्द होना ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन यह भाजपा के लिए चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश के हर निर्वाचन क्षेत्र में 2.5 लाख से अधिक वोटों का नुकसान हुआ है। अपने दावे की स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, अगर 60 लाख उम्मीदवारों ने पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था और हम उनके माता पिता पर भी विचार करें तो यह संख्या 1.8 करोड़ हो जाती है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में लगभग 2.5 लाख लोग भाजपा के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अखिलेश यादव के इन बयानों को आप किस नजरिए से देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय होगी, दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का डिसीजन योगी जी का सही डिसीजन था या नहीं, दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग अगली खबर की बात करें, जहां फर्जी दावों से सावधान, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का नहीं हुआ है अब तक ऐलान, चुनाव आयोग ने किया खारिज। जी हां, लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होता जाता है। इस साल नई सरकार के लिए आम चुनाव होने वाला है, ऐसे में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से उन झूठी खबरों से सावधान रहने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम के बारे में एक मनगढ़ंत व्हाट्सएप मैसेज फैलाया जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग ने लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल के बारे में व्हाट्सएप पर एक फर्जी संदेश साझा किया जा रहा है। आयोग द्वारा अब तक कोई तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। आयोग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। बहरहाल दोस्तों, लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में लगातार फेक खबरें भी चलाई जाती है व्यूज पाने के लिए, झूठी खबरें जिससे लोग जल्दी आकर्षित हो। और ऐसे में दोस्तों, आजकल ये फैलाया जा रहा है झूठा कि लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली खबर की बात करें, जहां संदेश खाली मामले पर बीजेपी नेता ने ममता सरकार को घेरा, कहा महिला सांसदों को पीड़ितों से मिलने से क्यों रोका जा रहा। जी हां, संदेश खाली मामले पर बीजेपी नेता वानती श्रीनिवासम ने शनिवार को ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्य पारदर्शी है तो महिला सांसदों को संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि टीएमसी शासन के तहत महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर टीएमसी सरकार इतनी पारदर्शी है तो विपक्षी महिला सांसदों को संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में अत्याचार के इसी तरह के आरोप लगाए जाने पर उनकी पार्टी द्वारा चुप्पी साध लेने के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीनिवासन ने कहा कि भाजपा ने कभी भी ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल किसी को नहीं बचाया है। अगली खबर बता दें, जहां पर महिलाओं के लिए कोई लीडरशिप रोल नहीं, तमिलनाडु एमएलए ने कांग्रेस को दिखाया आईना, भाजपा में हुई शामिल। जी हां, हफ्ते भर से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए तमिलनाडु में कांग्रेस से लगातार 3 बार विधायक रही एस विजयराधारानी आज भाजपा में शामिल हो गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन, जो तमिलनाडु में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उनकी उपस्थिति में दिल्ली में भाजपा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजय धरानी के भाजपा में शामिल होने को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो तमिलनाडु में अपना जनाधार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। विजय धरानी कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र की विलावन कोड सीट से विधायक है। भाजपा अतीत में कन्याकुमारी की लोकसभा सीट जीत चुकी है। विजय धरानी ने भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस से अपना रिजाइन लेटर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल, बीजेपी को लेकर भी कही है बात। जी हां, जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 100 सीट का आंकड़ा पार करना भी बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने समाचार चैनल टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में यह भी कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 370 सीट तक पहुंचने की संभावना नहीं है। हालांकि वो पश्चिम बंगाल में इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जी हां, ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस इस चुनाव में 100 का आंकड़ा पार कर लेगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस की वर्तमान सीट की संख्या में बड़े बदलाव की संभावना नजर नहीं आती है। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, कौन होगी बंपर वोटों के साथ जीतने वाली पार्टी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, देखते हैं क्या है भारत की इस मुद्दे पर राय। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां किसान आंदोलन, दिल्ली के सिंघू टिकटी बॉर्डर फिर एक बार खुल गए, वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बड़ी खबर। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च
31 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। इसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से सटे बॉर्डर आंशिक रूप से फिर से खोल दिया है। दरअसल किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर हरियाणा से लगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर को करीब 2 हफ्ते से सील किया हुआ है। अब इन्हें वाहनों के लिए आंशिक रूप से खोला जा रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर सर्विस लेन की 1 लेन और टिकरी बॉर्डर पर 1 लेन खोल दिया गया है। अगली खबर बता दें, आरएसएस के किसान संगठन ने केंद्र के रवैये को बताया खेदपूर्ण, कहा बातचीत क्यों नहीं कर रही सरकार। जी हां, आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक जो राजस्थान के किशनगढ़ में आयोजित हो रही है, उसमें शनिवार को 4th सत्र के दौरान कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इसमें श्री अन्न की विपणन व्यवस्था एवं किसान आंदोलन में राजनीतिक चुनावी पैंतरेबाजी पर बातचीत हुई। चर्चा के बाद जो प्रस्ताव पारित किए गए उनमें कहा गया कि राष्ट्रहित की चौखट के अंतर्गत किसान हित की नीति सरकार कमजोरी ना समझे। देश भर के किसानों की राय को रखते हुए संगठन के महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा, जब देश के किसान संगठन अनुशासन व शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आकर किसानों की समस्याओं व मांग रखते हैं, उनसे वार्तालाप करना सरकार मुनासिब नहीं समझती। सरकार का रवैया कहीं ना कहीं खेदपूर्ण है, इसके चलते हिंसक आंदोलन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की संभावना को बल मिलता है। जी हां, तो वहीं दोस्तों आपको अंतिम खबर बता दें, जहां आखिर कौन है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष पांडे, जिन्हें पाकिस्तान से मिली बम से उड़ाने की धमकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा बनाम शाही मस्जिद ईदगाह विवाद की पैरवी कर रहे आशुतोष पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से एक फोन आया जिसमें मुकदमा वापस न लेने पर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।